हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य और आप देख रहे हैं एम डॉट एम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखें जिससे आपको हाइब्रिडाइजेशन भी समझ में आए। तो ठीक है, पहले हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ जान लेते हैं जिसे आप डिफिनीशन कहते हैं। तो देखिए, अगर आपको यहाँ अभी समझ में नहीं आता है तो जब हम एग्जाम्पल देंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। तो इसलिए अपना कंसंट्रेशन बनाएं और वीडियो को देखें। सब्सक्राइब करें m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो देखिए, इसमें क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन में, इसी डिफिनीशन में सब कुछ है। डिफिनीशन ध्यान से सुनिएगा जब हम बोलेंगे। तो देखिए क्या होता है कि सेम एनर्जी और डिफर शेप वाले ऑर्बिटल जब मिक्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, सेम एनर्जी और डिफर शेप वाले ऑर्बिटल जब मिक्स होते हैं तो क्या होता है कि सेम एनर्जी और सेम शेप वाले ऑर्बिटल का बनना ही क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। और आपको जैसे डिफिनीशन की ज़रूरत है तो हम लिख दे रहे हैं, अभी लिख देंगे, आप नोट्स बना लीजिएगा। तो अच्छा, एक चीज़ आपको और बताएं कि हाइब्रिडाइजेशन होता किसमें किसमें है, कैसे कैसे टाइप के ऑर्बिटल में होता है, ये बातें आपको बुक में नहीं मिलेंगी। तो पहला तो देखिए, तीन टाइप के ऑर्बिटल में होता है। पहला तो होता है हाफ फिल्ड में होता है, जो आप बेसिकली जानते हैं। दूसरा क्या होता है, इम्पटी ऑर्बिटल में होता है। पहला क्या होता है, हाफ फिल्ड में होता है, और दूसरा किस में होता है, इम्पटी में भी होता है, इम्पटी ऑर्बिटल में। अभी आप परेशान हो रहे होंगे कि इम्पटी ऑर्बिटल में कैसे होता है, अभी हम बता रहे हैं। और इसमें होता है फुली फिल में। तो देखिए कैसे होता है, हाफ फिल वाला तो आप जान रहे हैं। इम्पटी ऑर्बिटल में क्या होता है, इम्पटी ऑर्बिटल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। और फुली फिल वाले में क्या रहता है, लोन पेयर की वजह से हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। तो हम आपको बता दें हाइब्रिडाइजेशन की डिफिनीशन जिससे आप नोट्स बना लें। आप नोट्स बनाएंगे तो आपको बाद में पढ़ने में आसानी होगी। देखिए, जैसा कि हमने आपसे बताया था, आप डिफिनीशन ध्यान से देख लीजिए, सेम एनर्जी एंड डिफर शेप वाले ऑर्बिटल के मिक्स होने से सेम एनर्जी एंड सेम शेप वाले ऑर्बिटल का बनना ही हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अगर आपको समझ में नहीं आता है, अभी तक डिफिनीशन समझ में नहीं आई है, तो डोंट वरी, हम अभी आपको एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। तो देखिए, पहली बात तो हाइब्रिडाइजेशन के कितने टाइप होते हैं, हम आज आपको कितने टाइप बताने वाले हैं, ये बात हम आपको बताएंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा बताएंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एंड थर्ड बताएंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स बनाते चलें। ये सब बकायदा हेडिंग, ये सब डिफिनीशन वगैरह बकायदा हेडिंग डाल के आप लिख लीजिए। तो अच्छा, चलिए अब हम समझते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हम क्या लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4,
CCl4। हम एग्जांपल क्या लिए थे? CCl4। मेन फोकस आप इतना करिए। अब इसमें से हम क्या ले लेते हैं? कार्बन, ये कार्बन ले लेते हैं। तो आप कार्बन का क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्या करते हैं हम? 1s2, 2s2, 2p2। तब हमें ज़्यादा से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ जनरल कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है। तो हम क्या करेंगे, जैसे आप 2s2 लिए, यहाँ पे 2s2, 2s2, 2p2 है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसमें इलेक्ट्रॉन डाल के देख लीजिए, कितने ऑर्बिटल होते हैं इसमें? 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब आप क्या करेंगे, देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन डालें, आप इसमें भी इलेक्ट्रॉन डालें, 2 ही हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन हुन रूल के अकॉर्डिंग डालेंगे, पहले जब तक सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो नहीं जाए तब तक हम ओवरलैपिंग शुरू नहीं करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिए, एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिए। आर यू एग्री? एग्री। तो ये क्या है, ये जो है ये कहाँ है अभी? ये ग्राउंड स्टेट में है, इन ग्राउंड स्टेट, ये भी ग्राउंड स्टेट में है। ओके, फिर क्या होता है, अभी जैसे आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाले हैं, फिर क्या होगा, आपका ये भी है, इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो जो ये इसमें जो पहले से एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, जब ये एक्साइटेड स्टेट में होता है, इन एक्साइटेड स्टेट, इन एक्साइटेड स्टेट, ओके, जब क्या करता है, ये एक्साइटेड स्टेट में आता है, तो क्या होता है कि ये जो ये दूसरा वाला ओवरलैप, सॉरी, ये एंटी क्लॉकवाइज वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, ये यहाँ पे जंप कर जाता है, ये यहाँ पे जंप कर जाएगा इस वाले ऑर्बिटल में। तो ये वाला जो ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आ गया, ये ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है फिर उसके बाद, अभी तो आप कार्बन ही लिए थे, तो फिर उसके बाद जब ये क्लोरीन आ जाता है, अब CCl4 पूरा है तो आप CCl4 पूरा लिखेंगे ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अब क्या होता है, ये क्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन, देखिए अब कंडीशन क्या हो गई है यहाँ पे, इस यस में एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें सब में भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये वही वाला इलेक्ट्रॉन है, ये जो यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे जंप करके आया था, तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया। एग्री। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 4 मॉलिक्यूल हैं क्लोरीन के, ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन के 4 मॉलिक्यूल हैं। तो फिर क्या होता है कि आपका जो ये यस वाला है और ये पी वाला है, पी में कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल हैं, आपको पता है जैसा कि। तो क्या होता है, ये पहले वाला इलेक्ट्रॉन है, जो ये जो कार्बन वाले हैं सारे, ये सारे कार्बन वाले हैं। तो क्या होता है, ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन सब में आप ऑक्यूपाई कर देंगे। तो अब सारे फुलफिल हो गए। तो क्या होता है कि अब यस कितने, हम यही तो बोले थे। अच्छा, अभी आपको इसकी डिफिनीशन नहीं बताए हैं, अभी हम आपको इसकी डिफिनीशन भी बता देंगे। अब अगर आप समझ गए हैं ना, तो डिफिनीशन आप खुद से बना लेंगे। तो देखिए क्या होता है, यस के कितने ऑर्बिटल हैं? 1 है। पी के कितने ऑर्बिटल हैं? 3 हैं। जब ये सारे आप मर्ज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, sp3 नहीं हो जा रहा है, हो रहा है ना sp3, दैट्स कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो आप यही तो देखें कि यस का एक ऑर्बिटल और पी के 3 ऑर्बिटल जब मिक्स होते हैं तो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ यू आर कैन राइट डाउन द हाइब्रिडाइजेशन विच इन्वॉल्व द मिक्सिंग
मिक्सिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड ध्यान दीजिएगा 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल, ओके 3p ऑर्बिटल, देन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 इक्विवेलेंट sp3, दैट्स कॉल्ड sp, दिस फिनोमिनन इज नोन एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आई होप यू आर एग्रीइंग। अब हम आप जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा इससे जुड़े आपको एक दो फैक्ट हम और बता दें जो कि इम्पॉर्टेंट ही होता है। देखिए क्या होता है, एक दो फैक्ट जो आपको बताने जा रहे हैं। पहली बात तो इसका शेप देख लें क्या होता है। शेप जो होता है वो होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होता है। अच्छा ठीक है, कैसे होता है तो देखिए, जैसा कि इसके शेप के बारे में बात कर रहे हैं तो टेट्राहेड्रल होता है। तो देखिए टेट्राहेड्रल क्या लिया था आपने एग्जाम्पल, CCl4 लिया था, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अच्छा क्या होता है टेट्राहेड्रल, सॉरी टेट्रा, टेट्राहेड्रल होता है, ठीक इसको आप नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद ये जो है एंगल क्या बनाता है, एंगल 109 एंड 80। फिर उसके बाद ये अरेंज कैसे करेंगे आप देखिए, और एक चीज़ और, टेट्राहेड्रल है ना ये ऐसे होता है कार्बन, और ये आपका क्लोरीन, क्लोरीन ये क्लोरीन, ये है इसका शेप, और इसकी शेप क्या है टेट्राहेड्रल है, और एंगल क्या है आप देख रहे हैं। अच्छा तो अब इतना तो आप, आई होप sp3 तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और अब उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, sp2 के बारे में। तो देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक एक चीज़ और आपको बता दें, अच्छा sp3 से ही रिलेटेड एक बात और बता दें, जैसा कि आपने देखा था क्या हम मर्ज कर रहे थे s और p के तीन, s का एक ऑर्बिटल p का तीन ऑर्बिटल, ठीक तो उस कैसे कैसे होता देखिए, ये है s ऑर्बिटल, ठीक s ऑर्बिटल प्लस p ऑर्बिटल होता है डंबल शेप, ये s ऑर्बिटल है, ये ऐसे होता है, ये p ऑर्बिटल है, ये भी p ऑर्बिटल है जो डंबल शेप में होता है, तो ये क्या है, ये है s ऑर्बिटल, ये है px, py एंड pz, आप इतना ऐड किए हैं तब जाके बना है क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ी सारी जानकारियाँ अभी तक हम आपको दे चुके हैं, तो अब हम बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अच्छा कुछ एग्जांपल और बता दें sp3 के, जैसे CH4 NH4 प्लस, इसमें सब में भी आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही मिलेगा। तो ठीक है अब हम बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन को, कौन सा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अब आ गए हैं आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे। तो इसमें हम कौन सा एग्जांपल लेते हैं देखिए, तो ठीक है पहले के जैसे ही, आई होप अब तो आप खुद भी कर लेंगे। इसमें हम लेते हैं बोरान ट्राइफ्लोराइड,
तो ठीक है, पहले के जैसे ही हम इसमें से क्या निकाल लेते हैं, बोरान निकाल लेते हैं। बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए बोरान का क्या होता है, 1s2, 2s2 एंड 2p1। तो जैसा हमने पहले किया था, हमें 1s से कोई मतलब नहीं है, हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, 2p2, 2p1। तो देखिए क्या था, 2s2 एंड 2p1, हमें इतने से मतलब है भी। क्या था ये, बोरान। बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। देखिए इसमें कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल हैं। अब आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेंगे, इसमें कितना कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आप एक ही डालेंगे। अभी तो किस में है ये, अभी ये ग्राउंड स्टेट में है। ठीक, फिर उसके बाद जब आप यहाँ आएंगे, इसमें कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल हैं। ये फिर क्या होता है, आपका ये वाला जो एंटी क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन है 2s2 में, 2s2 के ऑर्बिटल में, ये किस में आता है, एक्साइटेड स्टेट में आता है। फिर से पहले के जैसे ही होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर जाएगा और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आ गया, तो अभी आपने क्या लिया था, बोरान ट्राईफ्लोराइड। तो अब यहाँ पे देखिए, जब आप बोरान ट्राईफ्लोराइड रखेंगे तो क्या होता है, अभी तो अभी क्या है, आपके पास ये ऐसी कंडीशन में है, कुछ आपके पास ऐसी कंडीशन है। तो अब उसके बाद जब फ्लोराइड के कितने इलेक्ट्रॉन, फ्लोरिन के कितने इलेक्ट्रॉन, 3, अभी 3 इलेक्ट्रॉन हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरिन, फ्लोरिन के 3 मॉलिक्यूल हैं। तो आप क्या करेंगे, जिस 3 मॉलिक्यूल हैं तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इसको पूरा फुलफिल करने के लिए। तो क्या होगा कि ये फ्लोरीन वाला एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो जैसा कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन आप देखेंगे, तो यहाँ पे s का एक ऑर्बिटल है, s का जब एक ऑर्बिटल है, और p का यहाँ 2 ऑर्बिटल है, तो उसके बाद जब ये आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। फिर उसके बाद आप इसमें चाहें तो लिख सकते हैं इसकी डिफिनीशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड, एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको बाद में आसानी हो पढ़ने के लिए। तो ये तो रहा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, आप इतना समझ गए होंगे, और ये रही डिफिनीशन। तो अब हम आगे क्या करते हैं, अच्छा देखिए, जैसा कि आप पहले देखे थे, इसमें क्या करते हैं, ये तो रहा आपका s ऑर्बिटल, प्लस ये रहा px एंड ये रहा py, आप इतना प्लस करेंगे, एंड ये रहा pz। तो आपको इसमें कंबाइन कौन कौन सा करना है, आप इसमें px एंड py ही कंबाइन करेंगे, तभी आपका ये py, ये pz, तो आप और ये s ऑर्बिटल, तो आपको सिर्फ इतना कंबाइन करना है और आपका क्या बनेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि आपने भी देखा था, हम बोरान ट्राईफ्लोराइड लिए थे, बोरान ट्राईफ्लोराइड की शेप क्या होगी, क्या होगी, प्लेनर ट्राइगोनल। अभी तक sp3 में आपने क्या देखा था, टेट्राहेड्रल होती है, इसमें क्या देखेंगे आप, प्लेनर ट्राइगोनल।
अभी तक तो आपने देखा sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो एक सबसे खास बात जो आपको बताए थे कि इसमें की शेप क्या होती है, शेप ध्यान रखिएगा। sp3 में आपने देखा था टेट्राहेड्रल एंड sp2 में आप अभी देखे प्लैनर ट्राइगोनल। एंड अब हम बात करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की। तो अब हम sp हाइब्रिडाइजेशन पे डिस्कस करने वाले हैं, तो आप sp हाइब्रिडाइजेशन को देखिए फिर, ठीक है? देखते हैं, इसमें क्या एग्जांपल लेते हैं, बेरिलियम क्लोराइड BCl2 BCl2 फिर, ठीक है? जैसा कि जैसे अभी तक हम करते थे, क्या करते थे, बेरिलियम लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए, एटॉमिक नंबर कितना, 4, 1s2, 2s2। तो अब आप कहोगे कि भाई अभी तक हम क्या करते थे, जनरल कॉन्फ़िगरेशन लेते थे, तो यहाँ पे 2p होता था तो हम इतना ऐसा करते थे, यहाँ पे यस ले लेते थे, यहाँ पे 2p ले लेते थे। तब तो हमारे पास 2p है नहीं, तो क्या करेंगे, ठीक है, वैकेंट है। तो अभी हम पहले ही आपसे बताए थे वैकेंट में भी क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ठीक है, देखते हैं, पहले हम बात करेंगे ग्राउंड स्टेट की। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, दो एग्जाम्पल देखने के बाद आपको काफ़ी समझ में आया होगा। तो अब आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है, आप गेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिए 2s2 एंड 2p, इसमें कितने ऑर्बिटल, एक, कितने इलेक्ट्रॉन, दो, इसमें कितने ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन, एक भी नहीं, छोड़ दो। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसके बाद अपना इलेक्ट्रॉन क्या आता है, इन एक्साइटेड स्टेट में आता है। अब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला जो, ये दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है, पहले जैसे आप देखे थे ये यहाँ पे जंप कर जाएगा। तो ये जो, ये ग्रीन, ये वाला जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ आ गया। तो अब आपके पास कंडीशन क्या आ गई है, ये है कुछ ऐसे टाइप में, भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर जंप कर गया है ना, तो अब दूसरा वाला तो है नहीं, तो 2p में क्या हो गया है, आपके तीन ऑर्बिटल हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद जैसा कि आप पहले लिए थे, क्या लिए थे, BCl2, फिर उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, फिर उसके बाद क्लोरीन, देखिए आपके पास कितने मॉलिक्यूल हैं क्लोरीन के, ये है P, ये है यस, आपके पास क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल हैं, दो हैं। तो आपके पास पहले से सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल हैं, दो हैं। ये क्लोरीन का एक एक मॉलिक्यूल ओवरलैप कर जाएगा, और आपके यस के कितने ऑर्बिटल फुलफिल हैं, यस में एक ही ऑर्बिटल होना है, तो यस तो आपका फुलफिल है। फिर आप करेंगे यस और पी में कितने ऑर्बिटल हैं, तीन ऑर्बिटल हैं, बट फुलफिल आपका कितना है, एक ही ऑर्बिटल तो फुलफिल है, तो क्या करेंगे आप, पी कर देंगे, और आपका हो जाएगा ऐसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। फिर उसके बाद आपको एक बात और बता दें, इसमें एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है। देखिए क्या होता है इसमें, ये है आपका यस ऑर्बिटाइजेशन, यस ऑर्बिटल, सॉरी यस ऑर्बिटल, और ये है आपका पी डंबल से। फिर उसके बाद जब ये यस और पी मिलेंगे तो हो जाएगा यस पी हाइब्रिडाइजेशन। और इसकी शेप क्या होती है sp हाइब्रिडाइजेशन की, आप देखिए, आपके पास यस था, फिर उसके बाद ये है आपका पी हाइब्रिडाइजेशन, और इसमें एंगल कितने का बनता है, एंगल देखिए इसमें 180 डिग्री इसका एंगल होता है। और फिर उसके बाद इसकी वो शेप क्या है, लीनियर है। आई होप फ्रेंड्स यू अंडरस्टूड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। तो अगले वीडियो में हम क्या करते हैं कि sp3d2, sp3d, sp3d3, मतलब बाकी जो बच रहे हैं उन हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे। और हाँ, एक बात हम और करेंगे अगले वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे कि ट्रिक
किसी भी मतलब किसी भी जैसे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, अब आपके पास इतना टाइम थोड़ी होता है कि ऐसे ऐसे निकालो, ट्रिक बताएंगे आपको कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें जल्दी से जल्दी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू वॉन्ट टू मोर वीडियोज तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब m.m education यूट्यूब चैनल।